दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं बहुत सारी टेक अपडेट्स के बारे में। काफ़ी सारी जो है इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ आपको यहाँ पर फिर से देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से आज होने वाला है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगेगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है Xiaomi के Mi 8X की तरफ से कहें या फिर यूथ की तरफ से, दो नाम निकल कर जो है सामने आए हैं, दोनों की जो है लीक निकल के आई है। तो यूथ एडिशन यहाँ पर बताया जा रहा है, तो हो सकता है काफ़ी मज़ेदार जो है कुछ अलग हटके एक डिज़ाइन यहाँ पर निकल के आया Mi 8 से अलग है। तो ये Mi 8 का जो है सक्सेसर हो सकता है। तो टेना की वेबसाइट के ऊपर जो है इसे मतलब देखा गया है, पेयर हुआ है, तो लगभग $293 के अंदर मतलब निकल के आ सकता है और लॉन्च भी जो है जल्दी ही हो सकता है। तो 6.26 इंचेज की जो है नोच वाली इसके अंदर ऊपर की तरफ मतलब स्क्रीन दे दी जाएगी। स्नैपड्रैगन 710 का जो है सपोर्ट होगा सीपीयू का। तो ये प्रोसेसर हो गया, 6GB की इसमें रैम और 64GB जो है इंटरनल स्टोरेज। ड्यूल रियर जो है कैमरा 12 मेगापिक्सल और लगभग 24 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा इसमें बताया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि और लगभग जो है स्पेसिफिकेशन इसके अंदर हो भी सकती है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी स्मार्टफोन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं सबके अंदर लगभग इतना ही मिलता है। डुअल कैमरा तो बिल्कुल आम बात आजकल हो चुकी है, बस Huawei जो है ट्रिपल कैमरा यहाँ पर बनाने में लगा हुआ है। वहीं पर सैमसंग के भी कुछ यहाँ पर लीक निकल के आ रही है कि 4 कैमरा स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, जिसके रियर में आपको 4 कैमरा सेटअप मिल सकता है। नेक्स्ट है MIUI 10 बेस्ट Android 9 Pie अपडेट मिल रही है Xiaomi Mi 8 यूजर्स को। अगर आपके पास है Xiaomi का Mi 8 तो लाइक कीजिए वीडियो, अच्छा लगेगा। आपको मिल रही है जल्दी है Android 9 Pie के साथ जो है MIUI 10 बेस्ट अपडेट। तो ये बेटा वर्जन यहाँ पर होने वाला है, देखना ये है कि कितना मतलब मज़ेदार होगा। 9 Pie के साथ Motorola का जो P30 Play है वो लॉन्च हो गया है। Snapdragon 625 का इसमें सपोर्ट है और नोट डिजाइन के साथ यहाँ पर लॉन्च हुआ है। ज़्यादा इसकी बात न करते हुए बस ये है कि ठीक ठाक फ़ोन है, चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो मत लें। और भी काफ़ी सारे निकल के आए हैं। पोको फोन F1 की भी काफ़ी दिन से जो है हम यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा रहे थे इसके कैमरा को लेकर, कि Xiaomi जो है कैमरा का प्रचार करने के लिए काफ़ी बढ़िया कैमरा जो है मतलब फुटेज निकाल कर दिखा रहा था, जो कि टोटल यहाँ पर फेक थी। लेकिन अब यहाँ पर सुधर गया है पोको फोन का F1 का जो कैमरा है उसके अंदर एक OTA अपडेट निकाली है स्पेशली जो है कैमरा के लिए। कैमरा जो है इंप्रूव हो गया और जो कैमरा के लेंसेज हैं सेंसर हैं वो जों के तो अब काम कर रहे हैं। अगर आप इस अपडेट के बाद आप अपने कैमराज को यहाँ पर टेस्ट करेंगे तो आपको महसूस यहाँ पर हो जाएगा कि पहले जो कैमरा यहाँ पर दिखाया जा रहा था वो सॉफ्टवेयर बेस्ड था, लेकिन अभी जो है ओरिजिनल आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया बात है ना। लाइक तो आपको करना नहीं है वीडियो को, शेयर भी मत करना। वीवो का जो है X23 है वो भी ऑफिशियल यहाँ पर हो चुका है। अब नया नाम सुनिए यहाँ पर, हालो फुल व्यू डिस्प्ले। मतलब ऊपर वाटर ड्रॉप नोच थी, फिर टीयर डाउन ड्रॉप नोच यहाँ पर निकल के आई, हालो वाली नोच यहाँ पर निकल के आ गई है। पॉइंट वही है, सेम टू सेम कैमरा जो है सिर्फ कैमरा ही दिखाया जाता है, बाकी पूरी की पूरी फुल व्यू डिस्प्ले है। तो ये हालो व्यू डिस्प्ले है, ठीक है, जो भी है लाइक कर दीजिए। ड्यूल सिम का एक स्मार्टफोन निकल के आने वाला है, iPhone 6.1 इंच की डिस्प्ले, और नाम वगैरह इसका मतलब काफ़ी अभी तक भी रूमर्स ही चल रहे हैं। तो ये मैक्स हो सकता है, XS Max के नाम से 6.1 के साथ इस। लेकिन अच्छी बात ये है कि पहली बार आईफोन के अंदर आपको डुअल सिम का जो है चेक देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। Huawei भी जो है यहाँ पर पकड़ा गया है चीटिंग करते हुए टेना के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस को लेकर। वैसे तो P20 के अंदर कर्वेड डिस्प्ले की यहाँ पर बातें हो रही हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी जो है कुछ परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग की थी Huawei ने, जो कि अभी फिक्स कर दी गई है। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ऊपर नीचे किया गया था, या तो किसी से गलती हुई या फिर Huawei की ये गलती थी या फिर कुछ जानबूझकर किया है, ये अभी तक कुछ यहाँ पर पता नहीं चला। लेकिन फिर भी जो है चीटिंग तो अच्छी बात यहाँ पर है नहीं। स्कोर्स वगैरह जो है अब डाउन हो गए हैं, लेकिन फिर से जो है कुछ दिन में यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो निकल के आ रहा Huawei का 8X जो कि बड़ी सी डिस्प्ले के साथ है, और भी काफी सारे निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये चीटिंग किस बात को लेकर हुई है अभी तक कन्फर्म यहाँ पर नहीं हुआ है। एक है यहाँ पर Vitrus
नाम से जो है कंपनी है जिन्होंने जो है ड्रोन यहाँ पर लॉन्च किया है, और ये ड्रोन जो है काफ़ी कमाल का आपके वेयर हाउस और आपकी जो फैक्ट्रीज हैं उनकी काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी कर देता है। अगर कोई अनवांटेड पर्सन वहाँ पर मतलब फैक्ट्री में घुस जाता है, जैसे कोई चोर लुटेरा, तो उसको तुरंत पहचान कर मतलब अपने हेडक्वार्टर या फिर जहाँ भी उसे कॉन्टैक्ट करना है वहाँ पर जो है कुछ मैसेज यहाँ पर छोड़ देगा कि ये फोटो वाला इंसान यहाँ पर घुस आया है और इस प्रकार की जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कुछ ठीक लग नहीं रहा है। इस प्रकार से जो इसे एआई के साथ यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा है। वैसे ये एक स्टैंड के अंदर छुपा रहता है और जब भी कुछ होता है तो इसके सेंसर जो हैं उसे मतलब फील करते हैं और ये निकल के चला जाता है और देखता है क्या हो रहा है। दरअसल काफ़ी बढ़िया सी चीज़ निकल के आई, लेकिन अभी जो है परफेक्ट तो मुझे भी नहीं लग रहा है। शायद कुछ टाइम बाद जो है कुछ और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर भी हो जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा। एक है यहाँ पर किंटा नाम की कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह और मतलब इन सब बिल्डिंग्स को बनाने में मदद करती है। नॉर्मली हम इंसान जो है कुछ ना कुछ करते समय कुछ ना कुछ यहाँ पर भूल ही जाते हैं, लेकिन बाद में हम उसे सुधार भी लेते हैं, तो उसी सुधार का नाम जो है यहाँ पर किंटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पर लगा दिया है। तो काफ़ी मतलब मज़ेदार बात हो गई ना। अब जो है आप कुछ भी यहाँ पर घर बनवा रहे हैं, फैक्ट्री बनवा रहे हैं, वेयर हाउस बनवा रहे हैं या फिर शॉप बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कम खर्चे के अंदर सब कुछ जो है सुसज्जित कर दिया जाएगा। ये एक मतलब टेक्नोलॉजी का साथ लेकर ही सब कुछ यहाँ पर फ्यूचर में होने वाला, तो काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी ये भी निकल गया है। तो देखना ये है कि अब आगे ये होगा क्या। माइक्रोसॉफ्ट भी जो है अलेक्सा का सपोर्ट दे रहा है अपने एक्सबॉक्स वन के अंदर, दोनों मिलकर जो है काम करेंगे। अलेक्सा का सपोर्ट इसलिए दिया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं आज तक कोई स्पीकर तो यहाँ पर निकाला नहीं है, शायद एक्सबॉक्स जो है आवाज़ से ही चलने लग जाए, इसीलिए शायद हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अलेक्सा का यहाँ पर सपोर्ट दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज़ भर निकल के आई है, लेकिन हो भी सकता है एक्सबॉक्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है अलेक्सा का यहाँ पर सपोर्ट दे दे, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी तो बढ़ती चली जा रही है और लोगों को कुछ नया देखने की यहाँ पर एक आदत सी हो गई। हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ नया देखने को मिले, कुछ नया निकल गया है, क्योंकि सब कुछ जो है पुराना चल रहा है। पहले माइक्रोसॉफ्ट, अब एलेक्सा निकल के आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, फिर कुछ इशारे मतलब इस प्रकार के सेंसर लगेंगे, इशारों से यहाँ पर काम हो जाए, मतलब इंसान को समझ ले मशीन की मतलब कहना क्या चाह रहा है भाई, ये कहना क्या चाह रहा है उसे समझ ले। तो ये बात भी जो है अभी तक हुई तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, फ्यूचर में जो है हमें देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का कुछ ना कुछ सैंपल नमूना जो भी आप समझें। गूगल भी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर करता रहता है। अभी जो है काफ़ी दिन से जो है लीक न्यू मतलब रूमर्स वगैरह निकालने के बाद जो है पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल को अक्टूबर 9 को लॉन्च करने वाला है न्यूयॉर्क के अंदर, तो हो सकता है अक्टूबर 9 को जो है ये लॉन्च हो जाए, लेकिन अभी भी जो है कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है। लॉन्च इवेंट के जो इनविटेशंस हैं वो भी अभी तक सेंड नहीं किए हैं गूगल ने कुछ न्यूज़ कंपनीज को, लेकिन फिर भी जो है लीक तो निकल के आई है। वैसे भी जो इसका समय यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है और लॉन्च हो जाएगा जल्दी ही, ज़्यादा यहाँ पर समय न लेते हुए गूगल जो है जल्दी से करने वाला है, और स्पेशली जो है इंडिया में भी ये निकल के आने वाले, ये अच्छी बात है। लाइक तो आपको करना नहीं है वीडियो को। मीडियाटेक भी जो है एप्पल की फेस आईडी को यहाँ पर करारा जवाब दे चुका है। अब मीडियाटेक ने बोला है कि जो एप्पल की फेस आईडी है उससे भी काफी कम प्राइस में, सेम टू सेम कहें या फिर कुछ और कहें, लेकिन फिर भी जो है मीडियाटेक ने ₹150 में जो है फेस आईडी निकाल दी। सीधी सी बात यही है, जो नॉर्मली ₹4,000-5,000 के स्मार्टफोन निकल के आते हैं उनके अंदर भी अब आपको फेस आईडी मिल जाएगी। ये मतलब क्या आपको लगता है, एक सपना जैसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है ये हकीकत है और इसी प्रकार से जो है हो रहा है। फिर भी देखना यह है कि कब तक कौन सा स्मार्टफोन निकल के आता है। कुछ दिन पहले भी हमने इसकी बात की थी, Huawei का जो Mate 20 Pro है उसका भी एक हैंड्स ऑन इमेज यहाँ पर निकल के आया है। इसमें जो है ड्यूल कर्व्ड स्क्रीन यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है, 128GB इंटरनल स्टोरेज, काफ़ी मतलब कमाल हो गया ना कर्व्ड डिस्प्ले के साथ जो है निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ नोच यहाँ पर दिखाई गई, लेकिन डिस्प्ले इसकी काफ़ी कमाल की है। ऐसी डिस्प्ले जो है अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में निकल के नहीं आई है। सबसे अच्छी बात तो ये है नोच के साथ कर्व्ड डिस्प्ले काफ़ी कमाल है ना। और इसी प्रकार की न्यूज़ सुनते रहने के लिए चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, मुझे कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लाइक कर दें जल्दी से। बात करते हैं नेक्स्ट और कमाल की और आपके फ़ायदे की जो है न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। जियो जो है ऑफर कर रहा है आपको 16GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। अब इसका कारण ये है कि जो सेकेंड एनिवर्सरी है जियो की, लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसी के साथ जो आपको 16GB यानी 16GB डेटा दे रहा है बिल्कुल मुफ्त, और ये डेटा मिलेंगे आपको डेली के 2GB के हिसाब से
मतलब डेली आपको 2 GB डेटा यहाँ पर दिए जाएंगे। आप उसे यूज करें या ना करें उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दूसरे दिन जो है फिर से आपको 2 GB डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। और माई जियो ऐप के अंदर मतलब ये आपके फोन में होना चाहिए माई जियो ऐप, साथ ही जो है आपके पास पहले से ही कोई प्लान होना चाहिए। अगर आपका जियो सिम में कोई रिचार्ज नहीं है, आपका जियो सिम बंद पड़ा है, तो उसमें आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। एक्टिव जो यूजर्स हैं उन्हीं को ये मिलेगा और सभी को मिलेगा, ये जो है जियो ने यहाँ पर वादा किया है। काफ़ी बढ़िया बात है ना, लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वो 2019 से अब पेपरलेस वर्क यहाँ पर करने वाला है। फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज करेगा और किसी प्रकार के पेपर की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। इससे जो है स्पीड भी बढ़ेगी और जो लोग हैं पैसेंजर्स हैं उनका यहाँ पर टाइम भी बचेगा। काफ़ी लंबी लाइन, पेपर चेक करना, ये करना, वो करना, काफ़ी कुछ मतलब होता है, लेकिन ट्रेवलिंग के माध्यम से जो है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अब यूज की जाएगी। हर ट्रेवलिंग में पहले शायद ये एक टेस्टिंग भर होगी और टेस्टिंग पहले भी इसकी कर चुके हैं, लेकिन अब 2019 से मुझे लगता है कि कम्प्लीटली जो है इसे शुरू ही कर देंगे और इसी प्रकार से जो है फ्यूचर में यहाँ पर चलने वाला है। नोकिया X7 भी जो जल्दी ही लॉन्च यहाँ पर होने वाला है, अब एक्सेप्ट किया जा रहा है कि काफ़ी जल्दी हो जाएगा। SMD ग्लोबल जो है यहाँ पर टीज कर रही है एक नया स्मार्टफोन और उसे जो है लॉन्च तो करना ही है, तो ये X7 ही हो सकता है। काफ़ी सारी वेबसाइट भी जो है यही बोल रही है। एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है उससे आप ATM द्वारा विड्रॉल कर सकते हैं, तो कार्डलेस कैश विड्रॉल जो सिस्टम है वो एयरटेल का जो पेमेंट बैंक ऐप है जो भी है उसके अंदर यहाँ पर दे दिया गया है। बस MPIN वगैरह लगाइए, उससे जो है कुछ कनेक्ट हो जाएगा, तो ATM के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो नीचे काफ़ी सारे कॉमेंट यहाँ पर चाहिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद आपको स्पेशल वीडियो ही शायद मैं इसके लिए बनाकर दे दूँ किस प्रकार से जो है ये कार्डलेस कैश विड्रॉल मतलब आप कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है वैसे। तो आपको चाहिए तो कमेंट कर दें फटाफट, लाइक कर दें वीडियो को। दोस्तों आशा करता हूं काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज आपको फिर से यहां पर मिल गई होगी, आप भी हो गए होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट। ऐसे वीडियो रोज देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।